आपको ऐसा लगता होगा कि जर्मनी की सड़कें तो वहाँ भी हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी बहुत बार हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे पैचेस होते हैं सड़क पे, जिसकी वजह से एक स्मूथ ड्राइव नहीं आ पाती। कभी कभी होता है, जैसे इंडिया में होता है ना वैसे यहाँ पे भी होता, तो ज़्यादा ऐसा इतना भी नहीं होता, बट हाँ सारी रिपेयर्ड होती है। पर हम चलेंगे इस बस के पीछे पीछे, है ना? Please keep left in 100 meters. और ये है बॉन का सेंट्रल स्टेशन लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है बॉन की फेमस स्ट्रीट, शॉपिंग स्ट्रीट में कह सकते हैं। लेफ्ट ये रही। Please turn right in 100 meters. Now turn right and then turn left. तो आज हम आए हैं बीथोवन की बर्थ प्लेस पे, जो कि एक फेमस हिस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं। बॉन भी उनकी बर्थ प्लेस थी जो, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये घर, यही यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने इनकी डेट भी मेंशन की हुई है कि कब हुआ था, 17 दिसंबर 1770 को। 300 साल पुराना ये घर इन्होंने मेंटेन करके रखा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इन्होंने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके चार्जेस है 10 यूरोस। पर आज पब्लिक हॉलीडे है तो हम लोग नहीं जा सकते, बट नेक्स्ट टाइम जरूर इसे अंदर से जाके देखेंगे कैसा है। एक शॉप भी है जिन पे आप बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट या कैसेट्स वगैरह दे सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री की। जब ये 5 साल के थे, छोटे से, तभी इन्होंने अपना पहला लेसन ले लिया था पियानो का, और जब 7 के हुए तब इन्होंने अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दे दिया। ज्यादा ये लीन हो चुके थे कि 40 तक आते आते इनकी सुनने की क्षमता जा चुकी थी, लेकिन फिर भी इनमें इतना ज्यादा पैशन था कि इन्होंने पियानो के जो पैर होते हैं वो काट दिए थे, और उसको जमीन पे रख के उसका वाइब्रेशन फील करके ये म्यूजिक कंपोज करने लगे। कितना क्यूट है ये। क्यों मेरे नाम का खरीदा, मैंने ही सब खरीदा। Bonn was the residence of the electors of Cologne. In the 18th century, it had 11,000 inhabitants,
mostly civil servants, craftsmen, and servants of the court. The house 363 in the Bonn Gasse, today number 20. In December 1770, Ludwig von Beethoven sees the light of day in a room in the rear building. Little Ludwig spends only the early years of his childhood in the Beethoven house. During his 22 years in Bonn, the family often moved house within the city. Ludwig's father, Johann, is a tenor singer in the court chapel. At eight, who is part of Ludwig's life for 3 years. The Beethoven house is now a museum, and it houses the largest. When you make it, it's cold milk. Okay. That's not good. Oh, yeah. Yeah. If you want. अभी हम आए थे मैकडी में और हमने लिए है हॉट चॉकलेट क्योंकि थोड़ी सी सर्दी है अभी भी बाहर. समर का टाइम है और एकदम सारे रेस्टोरेंट बाहर ओपन हो चुके हैं और सब लोग बाहर मस्त एकदम खाना खा रहे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं एक थाई रेस्टोरेंट में बॉन में और फर्स्ट टाइम मैं एक थाई रेस्टोरेंट में जाने वाली हूँ. देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस. कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन कौन सा बेस्ट है वो ढूंढने की और देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं. अभी तो हमने ऑर्डर कर दिया हमारे थाई डिश. तो मैंने मुझे कुछ नहीं मिला कुछ खास. तो मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया है नूडल्स विद गेम्यूजे. गेम्यूजे इज़ लाइक जर्मनी में वेजिटेबल्स को गेम्यूजे कहते हैं. और दिनेश ने ऑर्डर किया है राइस विद गेम्यूजे. बहुत तेज भूख लगी है. फटाफट से पहले खाते हैं और फिर आगे की बात करेंगे. बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल था. मेरा जो है ये 6 यूरोस के अप्रॉक्स है और दिनेश का जो है वो 7 यूरोस के अप्रॉक्स है. तो इन बजट है वी शुड ट्राई एट वंस. सो फाइनली हमने खाना ख़त्म कर दिया. पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पर पानी नहीं मिला. तो अगर आप जल्दी नहीं आते हो तो और कभी भी लंच करने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में तो सोच के रखना दिमाग में कि पानी नहीं मिलेगा. खुद की ड्रिंक वगैरह या ये ऑर्डर करना पड़ता है. अभी हम बाहर जाके पानी वगैरह लेते हैं. फाइनली करते हैं डे एंड और हमने लिए एक बबल टी और चलते हैं घर सीधा. शाम हो रही है. बाय.
वो देखो अब यहाँ से ट्राम भी टर्न लेगा और हमें भी टर्न लेना है. अब वो जो घर दिख रहा है आपको एकदम परफेक्ट वाइब्स दे रहा है यहाँ के यूरोपियन आर्किटेक्चर की, है ना. और वो होगा भी बहुत पुराना. साइड में देख रहे हो ये ओपो थेके. सो जर्मन में मेडिकल स्टोर को ओपो थेके बोलते हैं. ओपो थेके. सो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है जर्मन.